जय हिंद दोस्तों, आइए आज हम आप लोगों को लेकर चलते हैं माँ विंध्यवासिनी मंदिर। यूपी के मिर्ज़ापुर में गंगा नदी के बिल्कुल समीप विंध्य की पहाड़ियों में स्थित है। कहा जाता है कि देवी के 51 शक्तिपीठों में शामिल यह शक्तिपीठ सृष्टि के निर्माण से पहले ही इस स्थान पर स्थापित हो गया था। पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि शक्तिपीठ वह स्थान है जहां सती के अंग गिरे थे, लेकिन विंध्याचल में माता सती के शरीर का कोई अंग नहीं गिरा था। यहां देवी सशरीर के साथ निवास करती हैं क्योंकि उन्होंने यह स्थान अपने रहने के लिए चुना था। माँ विंध्यवासिनी की उत्पत्ति मार्कंडेय पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है कि विंध्यवासिनी ने यशोदा और नंद के घर जन्म लिया था। इस बात की जानकारी देवी दुर्गा ने अपने जन्म से पहले ही सभी देवी देवताओं को दे दी थी। देवी विंध्यवासिनी ने ठीक उसी दिन जन्म लिया जिस दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। आकाश से हुई भविष्यवाणी ने कंस की मृत्यु देवकी और वासुदेव के 8वीं संतान के हाथों तय थी। इससे भयभीत कंस ने अपनी ही बहन के संतानों को मारने लगा। कंस बस उस 8वीं संतान के जन्म के इंतजार में राह तक रहा था, पर भगवान की माया ने सारा खेल ही पलट दिया। श्री कृष्ण को कंस के चंगुल से बचाने के लिए माया ने यशोदा और नंद के घर जन्म लेने वाली पुत्री विंध्यवासिनी देवी को देवकी के गोद में डाल दिया। वहीं कृष्ण ने यशोदा और नंद के घर में जन्म लिया। देवकी की 8वीं संतान की खबर सुनते ही कंस कारागार पहुंचा, क्योंकि इस संतान की मृत्यु कंस की मौत पर पूर्ण विराम लगा सकती थी। जब कंस को यह बात पता चली कि पुत्र ने नहीं पुत्री ने जन्म लिया है, तो कंस को थोड़ा आश्चर्य हुआ, पर उसे लगा कि है तो 8वीं संतान ही, फिर चाहे वह पुत्र हो या पुत्री। फिर जैसे ही कंस ने उस कन्या को मारने का प्रयास किया, वह कन्या दुर्गा का विकराल रूप धारण कर कंस के सामने आ खड़ी हुई। माँ विंध्यवासिनी ने कंस से कहा, तुम्हारा मृत्यु निश्चित है। और इतना कहकर माँ विंध्यवासिनी ने विंध्य पर्वत पर चली आई और यही शक्तिपीठ आज विंध्यवासिनी देवी के नाम से प्रसिद्ध है। यह भी कहा जाता है कि विंध्याचल वह स्थान है जहां देवी दुर्गा और दानव राजा महिषासुर के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें देवी दुर्गा ने महिषासुर दैत्य का वध करके मानव जाति की रक्षा की और सृष्टि को पाप मुक्त किया था। मान्यता के अनुसार सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी इस क्षेत्र का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। श्रीमद् देवी भागवत के 10वें स्कंद में कथा आती है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी जब सबसे पहले अपने मन से स्वयंभू मनु और शतकरूपा को उत्पन्न किया, तब विवाह करने के उपरांत स्वयंभू मनु ने अपने हाथों से देवी की मूर्ति बनाकर 100 वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवती ने उन्हें वंश वृद्धि एवं परम पद पाने का आशीर्वाद दिया। वर देने के बाद महादेवी विंध्याचल पर्वत चली गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि सृष्टि के आरंभ से ही विंध्यवासिनी की पूजा होती रही है। सृष्टि का विस्तार उनके ही शुभ आशीष से हुआ है। ऐसे ही धार्मिक और ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और
कमेंट जरूर करें। जय हिंद।